हाय, आप देख रहे हैं इन खबर हिस्ट्री और मैं विष्णु शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ बड़ी दिलचस्प कहानी बॉलीवुड के इतिहास से जुड़ी हुई, प्राण से जुड़ी हुई। बॉलीवुड का एक मशहूर विलेन प्राण, कैसे जिस लाहौर शहर ने प्राण को ब्रेक दिया था फिल्मों में, उनकी ज़िंदगी बदल दी थी, उसी लाहौर के लिए प्राण ने कसम खा ली कि ज़िंदगी भर लाहौर नहीं जाएंगे, और वो गए भी नहीं, शायद पाकिस्तान भी नहीं गए। तो क्या थी दिलचस्प कहानी, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले ये जानिए कि प्राण को लाहौर शहर ने कैसे ब्रेक दिया। दरअसल प्राण सिकंद ये पूरा नाम हुआ करता था उनका, और उनके पिताजी सिविल इंजीनियर थे, तो कई शहरों में वो उन्होंने नौकरी की, तो प्राण भी वहाँ उन शहरों में उनके साथ जाते रहे, वहीं पढ़ते रहे बीच बीच में। तो उनका जो घर था वो बल्ली मारान में था, चांदनी चौक के पास दिल्ली में, और पुरानी दिल्ली कहा जाता है उस इलाके को। तो वहाँ जब उन्होंने अपने सिविल इंजीनियर फादर से कहा कि पापा मैं फ़ोटोग्राफी में अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ, तो उनके एक कनॉट प्लेस में एक फ़ोटो स्टूडियो वाले दोस्त थे उनके पिता के, तो प्राण ने जब पापा को कहा तो पापा ने अपने दोस्त से कहा, और फिर उनको उस दोस्त ने कहा कि ठीक है इसको लाहौर भेज देते हैं, हम अपनी एक नई ब्रांच खोल रहे हैं, वहाँ का ये सारा काम देखेगा। तो लाहौर की हीरा मंडी में प्राण जाया करते थे, वहाँ एक शाम को पान की दुकान पर पान खाने। तो वहाँ पे एक वली साहब थे जो पंजाबी फिल्मों के राइटर थे, उन्होंने प्राण को देखा और उन्होंने मौका दिया उन्हें एक पंजाबी फिल्म में विलेन बनने का। उसके बाद प्राण की किस्मत खुल गई, उन्होंने फोटोग्राफी का अपना जॉब छोड़ दिया, और उसके बाद वो फिल्मों में काम करने लगे, धीरे धीरे पैसे कमाने लगे। परदेसी बालम कोई फिल्म थी जिसके जरिए उन्होंने इतना पैसा कमाया कि कार एक खरीद ली, घोड़े पर चलते थे प्राण। तो अपना जब सब कुछ उन्होंने सेटअप कर लिया, करीब 20 फिल्में उन्होंने वहाँ पर की। तो जब प्राण से परिवार ने दबाव बनाया कि अब शादी कर लो, तो और उनकी शादी के लिए लड़की ढूंढी गई, और लड़की मिली पड़ोस में ही, उनकी परिचित थी और शुक्ला अहलूवालिया नाम था उनका, उनसे शादी हो गई प्राण की। तो प्राण फिर परिवार में आ गए, उनका पहला बेटा भी पैदा हुआ, और जब हुआ ये कि जब रहने लगे वहाँ पर, और ये टाइम वो चल रहा था, ये वाकया है जब देश आज़ाद होने के कगार पे था, और लगातार ये बातें चल रही थी कि भारत से पाकिस्तान अलग हो जाएगा, और लाहौर पाकिस्तान में जाने वाला था। उस वक्त भी प्राण को यकीन नहीं हो रहा था कि धीरे धीरे से वो लाहौर दूसरे देश में चला जाएगा और उनको वहाँ से छोड़ना पड़ेगा। तो ये उन्हें लगा, वहाँ दंगे होने लगे थे लाहौर में, तो उन्होंने क्या किया कि शुक्ला को, अपनी पत्नी को और अपने बेटे को भेज दिया इंदौर। इंदौर में जो शुक्ला की बड़ी बहन थी एक पुष्पा, वो वहाँ रहा करती थी, तो उनके पास भेज दिया। उसके बाद जब बेटे का पहला जन्मदिन आया 11 अगस्त 1947 को, तो कई दिन पहले शुक्ला ने उन्हें फ़ोन किया कि अपने बेटे का जन्मदिन आपको यहीं हमारे साथ मनाना है, फोर्स किया प्राण को। प्राण 10 अगस्त को इंदौर पहुंच गए, जब वो इंदौर पहुंच गए 11 अगस्त को जन्मदिन मनाया, और जब ऐलान हो गया कि देश अब आज़ाद होना है, तो वहाँ दंगे शुरू हो गए लाहौर में। इंदौर में उन्होंने रेडियो पर सुनी कि लाहौर में खून की नदियाँ बह रही हैं, ढेरों लोग मारे काटे जा रहे हैं, तो परिवार ने प्राण को वहाँ से जाने नहीं दिया। लाहौर में से वो सूटकेस लेके आए थे खाली, वहाँ उनका कार थी, वहाँ उनका घोड़ा था, वहाँ उनका घर था। उसका क्या हुआ, प्राण ने काफ़ी कोशिश की, वहाँ कुछ बच पाए लेकिन नहीं हुआ। प्राण को एक तरह से लाहौर के लोगों से, लाहौर से नफरत सी हो गई, क्योंकि उनका सब कुछ, परिवार बच गया था लेकिन बाकी सब सारी संपत्ति, बाकी सारा कैरियर एक तरह से ख़राब हो गया था। तो प्राण ने उस वक्त तय कर लिया कि वो लाहौर कभी नहीं जाएंगे। उसके बाद प्राण 14 अगस्त 1947 को वहाँ से निकले और बॉम्बे पहुँचे 14 अगस्त 1947 को, जिस दिन पाकिस्तान अपनी आज़ादी का सालगिरह मनाता है, उसी दिन जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ, वो बॉम्बे उतरे फ्लाइट से, क्योंकि बड़े स्टार थे वो लाहौर के, सीधे ताज होटल पहुँचे। उस वक्त 55 रुपये महीने का रूम हुआ करता था, वो उन्हें मिला ताज में, और वो वहाँ शिफ्ट हो गए, अपनी एक मेड साथ ले गए थे। वहाँ से उनके संघर्ष की कहानी शुरू हुई। वहाँ वो इतना लंबा संघर्ष चला कि उसके बाद वो छोटे होटल में आए, 3 स्टार में आए, पैसे ख़त्म होने लगे, उसके बाद वो एक गेस्ट हाउस में आए, एक दोस्त के घर में शिफ्ट हुए। वो एक लंबी कहानी है, लेकिन इस लंबी कहानी में एक दिलचस्प किरदार है मंटो का। एक मंटो ने उनकी मदद की, वो मंटो कौन था जिस पर भी फिल्म आ रही है बॉलीवुड में, वो मंटो थे पाकिस्तान के एक मशहूर लेखक, उन्होंने ही हेल्प की उस वक्त बॉलीवुड में प्राण की। बाद में मंटो पाकिस्तान चले गए थे कैरियर बनाने में, बॉम्बे टॉकीज़ के जरिए उनको, प्राण को जो पहली फिल्म मिली वो मंटो के जरिए मिली, मंटो की मदद की वजह से मिली। लेकिन ये कहानी थी कैसे पाकिस्तान से या लाहौर से प्राण को चिढ़ हो गई थी, और जो उन्होंने कसम खाई थी कि कभी ज़िंदगी में लाहौर नहीं जाएंगे। बाद में जब वो बड़े स्टार बॉलीवुड के हुए, तमाम इन्वाइट उन्हें लाहौर से आए, लेकिन वो कभी नहीं गए, उन्होंने तय कर लिया कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है। तो इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ, इतिहास से जुड़ी कहानियाँ, नेताओं से जुड़ी कहानियाँ, नायकों से जुड़ी कहानियाँ, फिल्म स्टार से जुड़ी कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इन खबर हिस्ट्री। थैंक यू।